हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट सरकंडा बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के विषय पर चर्चा करेंगे। किसी भी इतिहास को या भारतीय इतिहास को उसके साक्ष्य या एविडेंस के आधार पर तीन खंडों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसके संबंध में जानकारी के लिए हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता। इसकी समस्त जानकारी हमें किसी प्रकार के वस्तुओं पर प्राप्त होती है, वस्तुओं से प्राप्त होती है। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसकी जानकारी हमें वस्तुओं और लिखित साक्ष्य दोनों से प्राप्त होती है, जबकि ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसकी जानकारी का सबसे प्रमुख साधन लिखित साक्ष्य होता है। यहाँ पर हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे और प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने सबसे पहले ही यह बात बताई थी कि प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसके संबंध में कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग सामान्य भाषा में आदि मानवों का काल भी कहते हैं। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी के अनुसार यह काल लगभग ईसा के जन्म के 5000 साल वर्ष से पहले का काल है। हम इसे सामान्य भाषाओं में आदि मानव का काल भी कह देते हैं। इस काल में मानव सभ्यता का जन्म हुआ, उद्भव हुआ ऐसा माना जाता है। इस काल के मानवों का जीवन यापन पत्थरों के कंदराओं में, गुफाओं में होता था। वे पत्थर के बर्तन, पत्थर के औजार आदि का प्रयोग करते थे। इसी कारण इस काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। हम सब छत्तीसगढ़ वासियों को इस पर गर्व होना चाहिए कि जब मानव सभ्यता का जन्म हो रहा था तो उसके साक्ष्य भारत के विभिन्न स्थानों पर जिसपे प्राप्त होते हैं उनमें से एक स्थान हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी है। पाषाण काल को विकास के दृष्टि से भी कई खंडों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट में आपको लिखा हुआ है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल और महापाषाण काल। मैं आप सबको यहाँ बता दूं कि आप सबकी सुविधा की दृष्टि से मैंने पहले से ही बोर्ड पर फ्लो चार्ट बना दिया है ताकि वीडियो जो हमारी यूट्यूब की वीडियो बन रही है वो अधिक लंबी ना हो और आपको और हमको किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसीलिए पहले से बोर्ड पर हमने ये फ्लो चार्ट बना दिया है। तो मैं फिर से आपको रिकनेक्ट करूँगा कि मैं पाषाण काल के विभाजन के संबंध में बता रहा था कि पाषाण काल में मानव के सभ्यता का जो विकास होते गया उसी मानव सभ्यता के विकास के क्रम के आधार पर हमने पाषाण काल को कुल 5 खंडों में डिवाइड किया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल और महापाषाण काल। इन सभी कालों को विभाजित करने का भी अपना आधार है। पूर्व पाषाण काल वह अवस्था है जहाँ पे मानव जनजीवन पूरी तरह से अस्थिर था। मध्य पाषाण काल वह स्तर है जहाँ पर मानव ने अग्नि की खोज किया और उनमें धीरे धीरे सामुदायिकता की भावना आई। उत्तर पाषाण काल वह काल है जहाँ पर मानवों के भीतर सामुदायिकता का भाव आया और वह एक समूह के रूप में, एक झुंड के रूप में एक स्थान पर रहना प्रारंभ किए। नव पाषाण काल वह काल है जिसमें मानव ने कृषि कार्य को प्रारंभ किया और महापाषाण काल में उन्होंने सामूहिकता जीवन जीने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाए तो उसके शव को दफनाने के पश्चात उसके स्मृति में उन्होंने पत्थरों से एक घेरे का निर्माण करना शुरू किया। इन्हीं आधारों पर हम इन 5 भागों में पाषाण काल को विभाजित करते हैं। CGPSC प्री में या व्यापम में इन खंडों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें यह पूछा जाता है कि जो इस काल हैं उन कालों के स्थल के जिले कहाँ कहाँ पर हैं या वहाँ पर क्या साक्ष्य मिला, जबकि मेंस में इस पर टिप्पणी लिखने को 30 शब्द, 60 शब्द या 100 शब्द में दिया जा सकता है। तो हम बारी बारी सभी कालों के बारे में कि वहाँ कौन कौन सा स्थल छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है और उसके संबंध में क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं उस पर हम चर्चा करते चलेंगे। सबसे पहले पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल पाषाण काल का सबसे प्रारंभिक अवस्था है। इस काल का जो प्राचीनतम स्थल छत्तीसगढ़ में प्राप्त होता है
और प्राचीनतम स्थल है सिंघनपुर और महानदी घाटी, दोनों के दोनों स्थल रायगढ़ जिले में स्थित हैं। इन स्थलों से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह हस्तचलित कुदाल है। एक बार सीजी व्यापम में इसे हैंड एक्स कहकर पूछा है कि हैंड एक्स के साक्ष्य कहाँ मिले। हैंड एक्स अर्थात हस्तचलित कुदाल के साक्ष्य सिंघनपुर महानदी घाटी में रायगढ़ में प्राप्त हुए। इसी पूर्व पाषाण काल के जो नवीन स्थल जो खोज में इतिहासकारों के द्वारा किया गया, उन स्थलों में बोतलदा, छापामारा, भंवरखोल, गीधा, बसनाझार, सोनबरसा, ओंगना, कर्मागढ़, खैरपुर, बेनीपाट और चुम्बाढाल की पहाड़ियां हैं और ये सभी के सभी स्थल रायगढ़ जिले में स्थित हैं। पूर्व पाषाण काल का जो द्वितीय भाग है वह मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कबरा पहाड़ में प्राप्त होते हैं। कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में स्थित है। कबरा पहाड़ में लाल रंग में छिपकली, घड़ियाल, सांभर के शैलचित्र प्राप्त होते हैं। इस काल के नवीन स्थलों में गढ़धनौरा, कालीपुर, राजपुर, घाट लोहांग, खड़ंगघाट, भातेवाड़ा आदि स्थल हैं। ये सभी के सभी स्थल बस्तर जिले में स्थित हैं। पाषाण काल का जो तीसरा खंड है वह उत्तर पाषाण काल है। उत्तर पाषाण काल का जो स्थल है, प्राचीनतम स्थल, वह सिंघनपुर महानदी घाटी रायगढ़ जिले में और धनपुर पेंड्रा जिले से प्राप्त होता है। धनपुर पेंड्रा जिले के गठन के पूर्व बिलासपुर जिले में आता था, अब यह पेंड्रा जिले में आता है। धनपुर, सिंघनपुर और महानदी घाटी ये तीन ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमें उत्तर पाषाण काल की जानकारी प्राप्त होती है। इन स्थलों से हमें मानव आकृति के साक्ष्य मिलते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि उत्तर पाषाण काल मानव सभ्यता के सामूहिकता और सामुदायिक जीवन का प्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए उत्तर पाषाण काल में यहाँ पर मानव आकृति के साक्ष्य मिलते हैं। यह मानव आकृति सीढ़ीनुमा आकार में और डंडेनुमा आकार में है। साथ ही कुछ स्थानों पर अर्ध चंद्राकार फलक के हथौड़े भी प्राप्त हुए हैं। इस काल से हमें किसी नवीन स्थल की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पाषाण काल का जो चौथा भाग है वह है नवपाषाण काल। इस काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में अर्जुनी दुर्ग जिले में, चितवा डोंगरी और बोनटीला राजनांदगांव जिले में तथा टेरम रायगढ़ जिले से प्राप्त होता है। इस काल में जो साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं इन स्थलों से, वे साक्ष्य हैं छिद्रित घन औजार, जिसे कई किताबों में कराघातक हथौड़ा के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है या लिखा गया है। इस काल का जो नवीन स्थल है वह है मुपनसार गुफा, जो बस्तर जिले में स्थित है। पाषाण काल का अगला जो खंड है वह महापाषाण काल। महापाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वह बालोद जिले के करीभदर, चिरचारी, सोरर, धनोरा और कारकाभाठा से प्राप्त होता है। ये सभी के सभी स्थल बालोद जिले में स्थित हैं। इस काल की विशेषता यह है कि इस काल के सभी स्थलों में पाषाण घेरे प्राप्त होते हैं या कास्ट स्तंभ प्राप्त होते हैं। पाषाण घेरे कहने का मतलब यह है कि इस काल में शवों को दफनाने के पश्चात उन शवों के स्मृति के लिए उन्हें पत्थर के घेरे से घेरा गया, जबकि बस्तर जिले के कुछ स्थलों में कास्ट स्तंभ लगाया गया ताकि उन शवों का पहचान किया जा सके। कास्ट स्तंभ के संबंध में इतिहासकारों का मानना है कि वीर नायकों के सम्मान में इसको लगाया गया था। इस काल के नवीन स्थलों में प्रमुख स्थल हैं मसेनार, चिंगेनार, किलेपाल, चित्रकोट, डिलमिली और तारागांव। ये सभी के सभी स्थल बस्तर जिले में स्थित हैं। पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत सिंघनपुर और महानदी घाटी, ये दो बातें आपको याद रखनी है। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत कबरा पहाड़, ये आपको याद रखनी है। उत्तर पाषाण काल के अंतर्गत सिंघनपुर, महानदी घाटी और धनपुर, ये प्रमुख स्थल आपको याद रखने हैं। नव पाषाण काल के अंतर्गत अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोनटीला और टेरम, ये आपको याद रखने हैं। और महापाषाण काल के अंतर्गत करीभदर, चिरारी, सोरर, धनोरा और कर्काभाठा आपको याद रखने हैं। सीजीपीएससी प्री और व्यापम में इन
टॉपिक से सिर्फ यही पूछे जाते हैं कि यह स्थल किस जिले में स्थित हैं और यह साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो आप इसे बेसिक तौर पर शॉर्टकट ट्रिक में याद रखिए कि सिंघनपुर, कबरा पहाड़, महानदी घाटी ये सभी रायगढ़ जिले में हैं। सिंघनपुर से हस्तचलित कुदाल और सीढ़ीनुमा डंडेनुमा मानव की आकृति प्राप्त हुई है, जबकि कबरा पहाड़ में लाल रंग से निर्मित छिपकली, घड़ियाल और सांभर के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। बाकी जो जिले हैं बाकी जो स्थल हैं धनपुर वह पेंड्रा जिले में स्थित है, जबकि अर्जुनी दुर्ग जिला में, चितवा डोंगरी और बोनटीला राजनांदगांव में, तेरम रायगढ़ में और करीबदर, चिरचारी, सोरर, करकाभाटा ये सभी के सभी बालोद जिले में। व्यापम और पीएससी ये दोनों सेम एक ही तरह के प्रश्न पूछते हैं। व्यापम ने कुछ प्रश्न और अतिरिक्त पूछे, जैसे व्यापम ने चुम्बा ढाल पहाड़ी को पूछा जो रायगढ़ जिले में स्थित है, विक्रम खोल पहाड़ी को पूछा, ये सभी के सभी रायगढ़ जिले में स्थित हैं। जबकि यदि हम मेंस की दृष्टि से जाएं तो मेंस में इन सभी पर टिप्पणी लिखने को आएगा। टिप्पणी लिखने की दृष्टि में या तो हो सकता है वो पहला प्रश्न बनाए कि छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक काल पर प्रकाश डालिए, या फिर हो सकता है कि वह अलग अलग किसी भी काल के बारे में लिखने को कहे। तो आप उससे जुड़े हुए स्थल, उनसे प्राप्त होने वाले साक्ष्य, उस पर खोजे गए स्थलों के बारे में आप इन सभी का वर्णन कर सकते हैं। मोस्ट और मुख्य तौर पर आपको केवल स्थल और उनसे संबंधित जिलों को ही याद करना है। नवीन स्थल के बारे में अभी तक प्री और व्यापम में किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है, वो सभी प्रश्न सामान्यतः मेंस में आपको लिखने के काम आएंगे। इसके अतिरिक्त इसमें मैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जो इनके खोजकर्ताओं से हैं या जो तथ्यात्मक तौर पर पूछे जाते हैं उनको मैं आपको बताना चाहूँगा। ज़्यादातर प्रश्न यहीं से बनते हैं, तो मैं आपको उन तथ्यात्मक जो बातें हैं उन चीज़ों को मैं आपको रिपीट करते हुए बताऊँगा। इसमें जो प्रमुख तौर पर जो पूछे जाते हैं वह यह है कि इन शैल चित्रों में जो प्राप्त होने वाले स्थल हैं उन शैल चित्रों में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है। तो सर्वाधिक प्राचीन स्थल जहां से शैल चित्र प्राप्त होते हैं वह सिंघनपुर है, वह स्थल सिंघनपुर है। सर्वाधिक प्राचीन शैल चित्र किस स्थान के हैं, सर्वाधिक प्राचीन शैल चित्र किसके हैं, तो वह है कबरा पहाड़। ऐसा शैल चित्र जो अंधेरे में चमकते हैं, तो चमकने वाले जो शैल चित्र हैं वह है खैरपुर के, और सबसे लंबी गुफा यदि आपसे पूछा जाए तो वह है बोतलदाह। याद रखिएगा इन सारे चार बातों को। अब इनके इतिहासकार के संबंध में याद रखिएगा तो पाषाण काल का सर्वप्रथम जो अध्ययन है वह मद्रास के कोलावरम में 1863 में रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल का जो अध्ययन है उसका प्रारंभ भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया। महापाषाणकालीन स्थल जो करीबदर, चिरचारी, सोरर, धनोरा में हैं, इनके अध्ययन का कार्य पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के प्रोफेसर जे आर कामले के द्वारा किया गया। उनके द्वारा एक तीर फलक की प्राप्ति हुई साक्ष्य के तौर पर, जो वर्तमान में रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में स्थित है। चुम्बा ढाल पहाड़ी को व्यापम ने पूछा था। चुम्बा ढाल पहाड़ी की खोज 1910 में अमरनाथ दत्त, जो कि रेलवे के एक इंजीनियर थे, उनके द्वारा किया गया, और पंडित लोचन प्रसाद पांडे के द्वारा रायगढ़ और उड़ीसा जिला, उड़ीसा राज्य के सीमा पर एक विक्रम खोल पहाड़ी है उसकी खोज की गई। जबकि मनोरंजन घोष के द्वारा सिंघनपुर में 5 प्रकार के कुल्हाड़ी का खोज किया गया। जब वे मानव आकृति का अध्ययन करने के लिए गए हुए थे तब उन्हें सिंघनपुर में 5 अलग अलग प्रकार के कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई। इन सभी साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ भारत के उन सभी स्थानों में से एक स्थान है जहाँ पर मानव सभ्यता का आरंभ हुआ या मानव सभ्यता का जन्म हुआ।